ऑल राइट, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम दोबारा आ गए हैं लाइव। नया वीक है, पूरा मंडे से लेके हम सैटरडे तक क्लास लगातार करते जाएंगे। एंड यस, दिस संडे विल बी एन हॉलीडे। ठीक है, हॉलीडे क्यों होता है आप लोग को सेशन कवर करवाने के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी भी स्टूडेंट्स के एग्जाम्स कहीं कहीं स्टार्ट हो रहे हैं एंड कई लोग आप में से 12th स्टैंडर्ड में हो, सो आपके बोर्ड्स के भी एग्जाम्स आ रहे हैं, सो लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स आर हैपनिंग। ठीक है, तो उस हिसाब से वी गिव संडे हॉलीडे सो दैट आप लोग कवर कर सकते हो, आप लोग रिविजन कर सकते हो एंड लॉट अदर थिंग्स कैन बी डन। तो संडे का मतलब ये नहीं है कि 1 घंटे, बस 1 घंटे में से भी क्लास होती थी, तो 1 घंटा अगर कम भी हो गया तो यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम टू स्टडी। ठीक है, चलिए आज हम दोबारा अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले बार वी हैव फिनिश्ड, लेट मी जस्ट सी, आई थिंक चैप्टर 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 फाइव 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 पंच 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 कहाँ गया। यस, पांच में काफी कुछ आपको बता दिया था, वो भी ये था कि एक्सरसाइज नंबर 10, 11 और 12, ये सब में आपको आई थिंक पूरा पूरा बता दिया था। एंड उसके साथ में चैप्टर 6 में आर और रे और छे, रे और आर, ठीक है, ए आर आर था और एक रे था, इसको एक्सप्लेन किया गया है। यस, ये रहा आपके सामने एक्सरसाइज, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो वेयर आर दी स्टूडेंट्स, कौन कौन ज्वाइन किया है, लेट मी जस्ट सी एक बार कहाँ है स्टूडेंट्स। यस, गुड मॉर्निंग सूरज के साथ में, गुड मॉर्निंग एंड ओके, चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी विल बी स्टार्टिंग आवर सेशन टुडे। चलिए, सो आई होप आप लोग कहीं ना कहीं आगे पीछे आसपास ही चल रहे हो। ठीक है, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि यू रन विथ मी, क्योंकि इफ यू आर एग्जैक्टली वेयर आई एम, ठीक है, लाइक मैं आज कल मैंने आर खत्म किया, आपने भी आर खत्म कर दिया, तो मतलब आप प्रैक्टिस कम कर रहे हो। ठीक है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट यू कि आप एग्जैक्टली मेरे पास में रहो। हाँ, अगर आप हो और आप लोग प्रैक्टिस सही कर रहे हो, देर इज नो इश्यू इन दैट, बट हाँ आगे पीछे थोड़ा रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कीप क्लोज। ठीक है, ऐसा मत रहो कि मैं चैप्टर 6 पे हूँ, आप लोग स्टार्टिंग से जुड़े हो मुझसे और आप चैप्टर 1 या 2 पर ही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इवन दो आई नो लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो वॉचिंग द रिकॉर्डिंग एज वेल, सो इफ यू आर वॉचिंग द रिकॉर्डिंग, तो मेक श्योर कि वेर एवर आई एम, ठीक है, यू आर समवेयर नियर और क्लोज टू मी ओनली। ठीक है, सो इससे ये होगा कि वेन वी विल फिनिश द चैप्टर्स, वी विल फिनिश द सिलेबस, यू विल ऑल्सो फिनिश, आगे पीछे हमारे साथ में खत्म कर दोगे, देन आई विल बी लीडिंग यू स्पीड बैच के लिए। आई एम ऑल्सो थिंकिंग सम मोर थिंग्स फॉर यू गाइज, कैसे स्पीड बैच में लेकर जाना है, सो लेट्स सी कैसे क्या होता है। जैसे जैसे हमारे ये वाला बैच खत्म होने आएगा, अभी तो दिसंबर चलेगा पूरा, देन जनवरी चलेगा, जनवरी के एंड में वी विल बी ब्रिंगिंग सम न्यू थिंग्स फॉर यू गाइस। ठीक है, सो अब ये आ गई स्क्रीन। ठीक है, टू फॉर्म्स ऑफ आर, ठीक है, मेन एक एक चीज मैंने बोला था याद रखना कि अगर आर प्लस, ये रहा R प्लस वॉवल, मतलब R के बाद वॉवल आ रहा है तो वो रे बनता है, और अगर R के पहले वॉवल आ रहा है, वॉवल पहले आया है R शब्द के, तो वो नीचे वाला बनता है। इसमें लॉजिक ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर रखने के लिए, आउटलाइंस को क्लियर रखने के लिए। ठीक है, अब जैसे मैं अगर ये कभी बना दूंगा, ये आपको पता है ये रो और ड ऐसा ही बनाऊ, मतलब र के बाद में कुछ है, रड या रोड, सभी आपको फटाफट से आउटलाइंस का मतलब जो ये है सेकंड प्लेस, देखो अब मैंने ये लगा दिया तो सेकंड प्लेस में आपको पता है कि दो ही आता है, एक आएगा या ओ आएगा, तो रड होगा या रॉड होगा, या रेड RED, अगर मैं डॉट की बात करूं तो रेड होगा या कुछ और होगा, मतलब आप यू कैन जस्ट गेट अ रफ एस्टिमेट। ठीक है, सबका मीनिंग अलग अलग होता है, क्या क्या बन सकता है, रेड बन सकता है, रॉड बन सकता है,
रोड बन सकता है, और इसके अलावा और क्या बन सकता है, RUD तो नहीं बनेगा। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है इस वाले वर्ड के बनने के, ठीक है। कैसे पता चला सर, आर था और उसके बाद में जब ये वाला वॉवल हम यूज करते हैं, ये वाला आर का फॉर्म, तो वो नीचे साइड मतलब ऐसे ही बनता है, तभी आपको ये पता चल गया कि ओके, तो इसके बाद ही कुछ ना कुछ तो लगने वाला है। अब तीनों का मीनिंग अलग होता है, रेड मतलब लाल, रॉड मतलब कि वो आयरन रॉड जो होती है, और रोड मतलब रोड। तीनों आर नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, हमेशा सेंटेंस में तीनों का डिस्टिंक्टिव मीनिंग रहने वाला है। सो इवन दो विथ ओनली दिस, जबकि मैंने ना वॉवेल डाला है ना कुछ डाला है, ठीक है, तो यू अंडरस्टूड द मीनिंग, ठीक है। द अब देखो, द रॉड इज गुड, नहीं, द रोड इज गुड, तो यहां पे डार्क आ जाएगा, द रोड इज गुड। यहां पे थोड़ा सा और इसको मैं कंप्लीट कर दूं सेंटेंस को, गुड टू बताइए ये क्या लिखते जा रहा हूं मैं, कम ऑन, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस, वॉट एवर दिस इज रिटन। यहां तक तो मैंने बता दिया, ठीक है, द रोड इज गुड, आगे क्या लिखा है, हेलो गुड मॉर्निंग, इज देयर एनी वन हु कैन आंसर कि हाँ सर क्या लिखा है ये, आगे के दो दो चार शब्द भी बता दो, ठीक है। द रोड इज गुड, ये जी है, ऊ है, ड है, ठीक है, गुड, यस, टू, देन ट है, ए है और के है, ठीक है, टेक टेक, ठीक है, टेक नहीं होता, टेक होता है, तो यहाँ पे लाइट वाला डॉट आ गया है, टू टेक, ये लिखा है, आई डोंट नो ये आपने पढ़ा है, आई थिंक ये पढ़ा हुआ है, ये लिखा है योर, ठीक है, योर, टू टेक योर, और ये है का, ठीक है, क का आ लिखा है यहाँ पे का, और ये नीचे वाला र है, ठीक है, तो का आर, सी ए आर, ठीक है, देखिए आर के पहले वॉवेल आ गया है, तो इसीलिए ये नीचे वाला लगा बना गया, ऐसे अगर मैं बनाता तो ये कैरी बन जाता, ठीक है, कैरी या फिर कुछ और बन जाता, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है कि यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स यूज किए जाते हैं ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है, ओके। तो अब ये आपका था वॉवेल्स, आई थिंक यूअर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, ठीक है, प्लस ये साथ में शॉर्ट फॉर्म्स बताए गए थे, और एक्सरसाइज 13, चलिए एक्सरसाइज 13 का मैं आपको एक ये बता देता हूँ, ठीक है, एक कोई तो इसका हम ले लेते हैं, एक्सरसाइज 13 में कौन सा ले, कौन सा ले, कौन सा ले, बताइए, विच वर्ड शुड आई टेक टू एक्सप्लेन यू गाइस, एक्सरसाइज 13 में बताइए क्या 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 लिए आपको समझाने के लिए, 1, 2 एंड 3, 4, 5, 6, एक सेकेंड, आई थिंक नहीं, इसमें से कुछ लिया नहीं है अभी तक। देखिए जो देखो यहाँ पे कार दिया हुआ है, ठीक है, देखो जो मैंने अभी आपको कार एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे कार ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, लेट अस टेक 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 सिक्स्थ वन, ठीक है, सिक्स्थ वन हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है। मैं हर एक चीज लिख कर और हर एक चीज बोलकर नहीं दिखाऊंगा, बस मैं लिखते जा रहा हूँ, आप लोग को मैं साथ में समझाता चलूंगा, ठीक है। सिक्स्थ वन एक्सरसाइज, वेरी सिक्स्थ वन, यस, कोई और भी अगर एक्सप्लेन करना है तो यू कैन टेल मी, ऑल्दो आई थिंक सिक्स्थ वन विल बी सफिशियंट, उससे आप काफी कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला है ये तो आपने समझ लिया है, ये वी लिखा है,
देन टू अच्छा एक मिनट, वो थोड़ा अंदर जा रहा है। देश से दूर जिसको जो जो वर्ड इसमें समझ में आ रहा है आपको बताना है, ठीक है। ये मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ ये चीज, बट हाँ इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग एनी वर्ड, ठीक है, इसमें से दिया हुआ कोई भी वर्ड अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर चैट बॉक्स इज ओपन, यू कैन आंसर, ठीक है। आज आंसर्स थोड़े कम आ रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बच्चों का शोर मन नहीं है पढ़ने में, आई डोंट नो क्या हो रहा है, बट ट्राई टू आंसर, ठीक है, ट्राई कीजिए। क्या लिखा है? पहला वाला तो बहुत ही ईजी है, ये तो लिखा है वी, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, वी, देन है रो, र है, ओ है और ट है, ठीक है, तो क्या हो गया, रोट बन जाए, WROT, रोट लिख रहा है, लेकिन ये W साइलेंट होता है, पता नहीं इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, रोट लिखते हैं, वी रोट मतलब लिख दिया, पास्ट टेंस, राइट, रोट रिटन, ऐसा वी रोट, टू लिखा है, और ये सिर्फ एक सिंगल थ का ये है, तो मतलब ये हो गया देम, ठीक है, ये है शॉर्ट फॉर्म, वी रोड टू देम, क्या लिखा है इन्होंने, कॉमा, ए एस के, आस्क लिखा है और आई एन जी लिखा है, आस्किंग तक तो समझ गए, फिर अगेन ये वाला और ये वाला आप समझ गए, यहां पर कैसे देम लिखा है और ये भी देम लिखा है, ठीक है, आस्किंग देम टू, ये तो पता चल गया, ये छोटा सा जो लाइन पे ऐसे ऐसे होता है तो ये तो टू होता है, ठीक है, इतना तो आप लोग को पता ही है, रोड टू, रोड देम टू, आर यू एस एच, र श, ठीक है, र है और श है, तो रश द, ज है, अ है और ब है, ठीक है, रश द जॉब, कॉमा एंड दे, ठीक है, अब ये दे है, यहाँ पे देम नहीं आएगा क्योंकि थ के साथ में ए का वॉवल डाल दिया तो ये दे बन जाता है, ठीक है, एंड दे से, स के साथ में ए का वॉवल है तो से बन जाएगा, दे से, फिर लिखा है क्या, दे, और ल गया है तो मतलब ये विल के लिए यूज होता है, दे विल, ह है, अच्छा डार्क वी है, मतलब ये हैव है, दे विल हैव इट, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया, आप यहां से इसको देख लीजिए कि कितना परफेक्ट कैसे लिखा जाता है, ठीक है, दे विल हैव इट, रे है और ड है और ई वाई है, REDAY, रेड, रेडी, ठीक है, REDY, रेडी की स्पेलिंग क्या होती है, मैं रेडी की स्पेलिंग भूल गया हूं, चलिए बताइए रेडी की स्पेलिंग, किसी को पता है क्या रेडी की स्पेलिंग, मैं भूल गया रेडी की स्पेलिंग, रेडी इन अ मंथ, चलो रेडी की स्पेलिंग आ गई है, READY होता है रेडी, ठीक है, तो समझ गए आप, रे ड और ई, ठीक है, रेडी, यू रोट देम आस्किंग देम टू रश द जॉब एंड दे से दे विल हैव इट रेडी इन अ मंथ, मुझे ना जब मैं पढ़ता था मुझे ये वाले जैसे बड़े बड़े फ्रेजेस है ना ये लिखने में बहुत मजा आता था, मैं कुछ भी एक्सपेरिमेंट करता रहता था, जैसे दे विल हैव इट रेडी फॉर कुछ भी ऐसे, बस मैं ऐसे कुछ भी आउटलाइन बनाता रहता, बट इससे होता ये था कि मुझे याद आने लगते थे ये वाले फ्रेजेस, जितने ज्यादा यूज करोगे ना उतना आपकी स्पीड बढ़ने वाली है, ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल बता दिया, इसमें कुछ और अगर ये है तो वी मे बी लिखा है, ठीक है, वी है, मे है और बी लिखा है, ठीक है, वी मे बी, एंड ये लिखा है एंड इफ वी आर, ठीक है, ये लिखा है एंड इफ वी आर, ओके, देन इसके बाद में और आई थिंक ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज, नॉट दैट डिफिकल्ट, वही जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखे हैं वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बताए गए हैं, अब देखिए अब ये क्या बोल रहा है कि वेन आर एंड्स अ वर्ड यूज डाउनवर्ड वाला आर, ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको रूल बता दिया कि जब आर खत्म होता है या तो एंड में आता है या तो आर के पहले वॉवेल आता है, ठीक है,
सॉरी सॉरी सॉरी, स्टूडेंट्स के कान में से ईयरफोन शायद निकल गया होगा। सो सॉरी फॉर दिस। दिल्ली से थोड़ी सी ठंड लेके, हालांकि दिल्ली में ठंड इतनी है नहीं, बट फिर भी लग गई थोड़ी सी ठंड ट्रैवल करने में। ठीक है, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो हाँ यही सेम रूल है जो वॉवेल प्लस आर है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना बोल रहा है कि आर एंड हो रहा है सेंटेंस के एंड में, जब आर आ रहा है तो वो हमेशा नीचे वाला ही आ रहा है। जाहिर सी बात है कि आर एंड में आ रहा है तो उसके पहले कोई ना कोई वॉवल होगा, इसीलिए आर एंड में आ रहा है। जैसे देखिए, कार है, ये बन गया कार। ठीक है, फार है तो ये फ और ये र बन गया। ठीक है, फार। पियर, पर, पी ई आर, पर। ठीक है, उसी तरह से फियर, ये फ और ये र बन गया। ठीक है, फी ईयर। ठीक है, फर, अश्योर, देखिए अश्योर। और इसी में अगर मैं शेयर भी बना दूं, देख लीजिए ये नेक्स्ट वाले में शेयर दिया। अब वो क्या बोल रहा है? वर्ड्स दैट एंड इन ओर एयर हाउ एवर स्पेल्ड आर रिटन विद सेकंड प्लेस हैवी वॉवल एज इन, क्या लिखा है? वर्ड दैट ओर और एयर, ओर और एयर। हाँ ठीक है, ओके, वही सेम चीज आपको अलग अलग तरह से बताया। जैसे डोर, ओर। ठीक है, एंड में क्या आ रहा है? ओर का साउंड आ रहा है, तो सेकंड प्लेस पे लिखा जाएगा डो और अर। ठीक है, डोर मतलब थोड़ा अच्छे से लिख दू, डोर। ठीक है, पोर, शोर, शेयर, फोर, फेयर, एयर। देखो एंड में एयर भी आ रहा है, जहां भी एयर आएगा या ओर आएगा सब में नीचे वाला वॉवल यूज किया, नीचे वाला आर यूज किया रहता है। ठीक है, वही यहाँ पे बताया गया है। अब लेकिन अगर आर के बाद वॉवल आता है, ठीक है, मैंने वर्ड एंड्स विद आर या वॉवल वाला, तो ऊपर वाला आर, वही सेम जो रूल आपको पहले बताया है वही रूल यहां भी चलता आएगा। ठीक है, कैरी हो गया, मैरी हो गया, देख लीजिए कोई भी वर्ड इसमें से ले लीजिए, क, र और ई, सब में आपको आर के बाद वॉवेल मिलेगा। आर के बाद में देखिए री है, कैरी। मैं अगर मैरी बोलूं तो कैरी का क्या है ये, क ए, कैरी बन गया। ठीक है, मैरी बोलूं तो मैं और री, म का ए यहाँ पे साउंड आएगा और री बनेगा। ठीक है, फेरी बोलूं तो फे और री, फेरी का साउंड आएगा। मैं मरी, मैं म और री। ठीक है, मैं मरी, मेमोरी, मेमोरी। ठीक है, कोई भी वर्ड्स आप यहां पर लेकर देख सकते हैं। ठीक है, ओके हाँ। कई देखिए, कई स्टूडेंट्स आगे हैं, कई स्टूडेंट्स पीछे हैं, बट डोंट वरी, ऐसा कुछ भी ये नहीं है कि पीछे वाले आगे के कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते, बिकॉज आपको अल्टीमेटली यहीं पर आना है। सो इफ यू आर जस्ट इवन प्रेजेंट इन द क्लास ना कहीं आपके दिमाग में वो बैठा बैठते जाएगा जब भी आप उस चैप्टर पे आओगे। वेन एवर यू विल कम एट दिस चैप्टर, स्टडिंग दिस चैप्टर, प्रैक्टिसिंग दिस चैप्टर, यू विल रिमेंबर दीज कॉन्सेप्ट कि यस ये तो पढ़ा हुआ था। आपके एफर्ट्स अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक है, यू डोंट नीड टू स्टडी एकदम डीपली, आपको ऑलरेडी हल्का हल्का कॉन्सेप्ट का आइडिया होगा। ठीक है, सो दिस वेर द सिंपल कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में बताए गए हैं, कि अगर बाद में वॉवल आता है तो ऊपर लिखा जाता है, पहले वॉवल आता है तो नीचे लिखा जाता है। ठीक है, उसी को अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ड्स के साथ में यहाँ बनाया गया है। आपको कोशिश करनी है एकदम बढ़िया से इनको बनाए। जैसे वेरी है तो वे और री। ठीक है, वेरी। टुमारो में देखिए, टुमारो में ये टू है। ठीक है, टू, जो टू आपने वॉवल सीखा, जो आपने शॉर्ट फॉर्म सीखा था, उसी टू को यहाँ पर ये लोग वर्ड में भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये बन गया टू मॉ और रो। ठीक है, टू मॉ
रो, ठीक है। अब टू क्योंकि लाइन पर ही ऐसे ही लिखा रहता है टू, तो जो इसके साथ जो भी जोड़ेंगे, जैसे टू मच अगर लिखना है तो टू म और च, ठीक है, टू मच ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि ये है इसका प्लेस यही पर है, ठीक है। अब इसको हवे में लिख दोगे तो कुछ और बन जाएगा, ठीक है, ऑफ बन जाएगा ये, या तो फिर आई जो आप फ्यूचर में भी सीखने वाले हो, आई एम वाला, ये आई का आई बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, इसीलिए उसका जो प्लेस है उसको वहीं पे फिक्स कर दिया जाएगा। ओके, सो कुछ कुछ इसमें बहुत छोटा छोटा हो जाता है, क्यों छोटा हो जाता है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले। यस, ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल कॉन्सेप्ट, आर वाला चैप्टर, आर का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा यहाँ पे खींचा गया है ताकि आप लोग की प्रैक्टिस ज्यादा हो, ठीक है। सभी लोग याद रखो, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए हैं, ईच एंड एवरी वर्ड्स नीड्स टू बी प्रैक्टिस 5 to 6 लाइन्स मिनिमम, ठीक है, मिनिमम कितना, ये नंबर मुझे चैट बॉक्स में सभी का दिखना चाहिए, ठीक है। जितने भी लोग आज यहाँ पे प्रेजेंट हैं, सभी लोग को चैट बॉक्स में ये वाला नंबर लिखना है, क्या लिखना है, 5 to 6। सो दैट आपको याद रहे कि एक एक वर्ड, हर एक वर्ड जो है यहाँ पे, एक बियर, फेयर, इंजुरी, बोरो, हर एक वर्ड, देखो इंजुरी बहुत बढ़िया वर्ड है, लेट मी जस्ट शो यू इंजुरी, तब तक सब लोग चैट बॉक्स में लिखते रहिए, ठीक है। इंजुरी में इन लिखा, जू लिखा, और ये री बन गया, ठीक है। इन का यहाँ पे डॉट आ गया, जू का यहाँ पे ज का ऊ आ गया, और ये री का आर के बाद में जो री है ये आ गया, री, इंजुरी, ठीक है। एवरीवन हु एवर इज प्रेजेंट इन द क्लास, यू नीड टू राइट दिस बॉक्स में जो लिखा है कि इतने बार आपको हर एक वर्ड, ठीक है, एक एक वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि गाइस देखिए, जो ये ग्रीन वाली बुक थी ना, ये जो इतनी मोटी बुक है, ठीक है, इतनी मोटी बुक है, इसमें हर एक, मैं चलो आपको दिखाई देता हूँ, यू विल नॉट बिलीव मी, तो मैं चलो आपको दिखा देता हूँ सो दैट लगे कि हाँ भाई सर इज मेकिंग सम सेंस, ठीक है। इसमें हाँ, और हाँ चलो ये रहा, मैं अभी दिखाता हूं आपको, देखिए इसमें ये वाला जो चैप्टर है ना, कहाँ गया, ये फोकस नहीं होता जब जब काम लगता है इसका तो। हाँ तो देखिए इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए इसमें एक्सरसाइज दी है, ठीक है, ये एक्सरसाइज बना दी इन लोगों ने अलग से, एक्सरसाइज 14 लिखा है, ठीक है। देखिए आर्म लिखा है और कुछ और वर्ड्स लिखे हैं, तो इनको एक्सरसाइज में बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं ये लोग, ठीक है, दे आर मेकिंग देम प्रैक्टिस। इसीलिए प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चों का टाइम बहुत ज्यादा रहता है, अब वो इस एक्सरसाइज को लिखेंगे, इसका डिक्टेशन लिखेंगे, पता नहीं डिक्टेशन लिखेंगे नहीं लिखेंगे, उनका अपने आप मन कम होता रहता है, उनका मन प्रैक्टिस का इतना करता नहीं है कि प्रैक्टिस करें या नहीं करें, अरे एक और एक्सरसाइज एक और, तो वो बोर जल्दी होने लगते हैं। बट हमारे जो न्यू एरा वाली बुक है, ठीक है, जो अभी आप लोग फॉलो कर रहे हो, ये वाली जो बुक है, इसमें देखिए डायरेक्टली आपको यहाँ पे एक्सरसाइजेस दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी छोटा 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 वर्ड प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज नहीं दी, लेकिन हाँ वर्ड्स यहाँ पर आप लोग को बताए गए हैं, तो अगर वर्ड्स बताए गए हैं तो मेक श्योर कि आप इनको प्रैक्टिस जरूर करें, डिक्टेशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना है। इसीलिए मैंने आपसे बोलवाया कि भाई बोलो 5 से 6 वर्ड्स आपको लिखना ही है, यहाँ पर आपके हो गया क्या, आपने शपथ ले ली, ठीक है, चैट बॉक्स में लिखकर आपने अपना कमिटमेंट दिखा दिया कि हाँ ठीक है हम इसको करेंगे ही करेंगे। ओके, सो एवरीवन, आप जिस भी चैप्टर पर, चाहे चैप्टर 1, 2, 3 कहीं पर भी हो, लेकिन यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो वर्ड्स हैं उनकी इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं सोचते अरे मुझे तो आ गया, आपको आ गया ऐसा आपको लग रहा है, लग तो ये भी रहा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी, कंफर्म हो क्या नहीं पता है, अभी तो देखना पड़ेगा। तो वही बात है कि कोई चीज लगना और कोई चीज एक्चुअल में होना, इसमें फर्क होता है, ठीक है। तो ये रहे आपके वर्ड्स, ये रहे आपके एक्सरसाइज के मतलब, और ये रहे कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड्स। नाउ वी विल बी कमिंग टू, कहाँ गया, चलो 14 और साथ में 14 हम करवा देते हैं, बाकी 15 16 हम कल करेंगे, ठीक है। सो आइए फूड देख ली, हाँ यहाँ पर योर है, सॉरी मैंने आप लोगों से पहले ही पूछ लिया था, योर आप लोग को आया नहीं था, इसलिए बच्चे आंसर नहीं कर पाते, तो इस वक्त
ओके नो प्रॉब्लम, माय फॉल्ट, ठीक है। बट चलो ठीक है, इसी बहाने आपको ये तो पता चल गया कि योर ऐसे लिखते थे इवन बिफोर स्टडिंग, आपको पता ये है योर योर, ठीक है। देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, योर बहुत यूज होने वाला है। योर अगर ऊपर लिखे तो योर बनता है, और अगर ऐसे लाइन के थ्रू लिख दे तो ये ईयर बन जाता है, ईयर, YER, ईयर, ठीक है। तो ये बन गया हुज, ठीक है। हुज जो ज है, ज को लाइन के थ्रू लिख दो तो हुज बन जाता है, हुज, ठीक है। देन ऊपर बना तो लार्ज, ये थैंक या थैंक्ड दोनों बन जाएगा। थैंक क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, थैंक्ड क्या है, पास्ट फॉर्म है। सेंटेंस पढ़ के आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और बोला टू गो, फ्रेज में ये लिखा टू और उसके बाद मैंने जोड़ दिया ग और उसको डाल दिया ओ, तो ये बन गया टू गो, ठीक है, टू गो बन गया ये। देन इसके साथ में एक्सरसाइज 14, कितने सेंटेंस है इसमें, टोटल 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 12 है, ठीक है। 12 तो चलो मैं आपको दो बता दूंगा आज, कोई भी पिक कर लीजिए नंबर, डजेंट मैटर आप इस एक्सरसाइज पे हो या नहीं हो, लेकिन हाँ जो लोग इस एक्सरसाइज पे आने वाले हैं, आसपास है, वो लोग अगर जल्दी से नंबर पिक करके बता देंगे तो फिर मुझे भी आप लोग को एक्सप्लेन करने में इजी रहेगा। तो चलो ठीक है, आपने अगर पूछा तो आपको जरूर मैं बता दूंगा। बाकी बताइए, एक मैं बता रहा हूँ, एक नंबर आप लोग बताएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 14 का मैं करवाऊंगा। आई होप आप लोग को दिख रहा है ये, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, जो एक सेकेंड, ठीक है, ये चलो थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है। एक्सरसाइज 14 में कौन सा करवाना चाहिए बताओ। चलो एक मेरा नंबर आ गया, फिफ्थ वाला। अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैंने और सुषमा ने सेम ही नंबर बोला, मैंने फिफ्थ बोला, सुषमा ने भी फिफ्थ ही बोल दिया। चलिए फिफ्थ ही करवाया जाएगा। अब यू हैव टू पिक अनदर नंबर सुषमा, लेट अस सी के कहीं दोबारा आप और मैं कोइंसिडेंस में आ जाते हैं क्या। वी विल बी डूइंग, ट्वेल्थ वाला, ठीक है, फिफ्थ एंड ट्वेल्थ, ठीक है। या अगर आपको कोई और भी बताना तो यू कैन गो हेड एंड से, उसके अलावा मैं कुछ करवा दूंगा। चलो फिफ्थ वन है, फिफ्थ वन क्या है, ये है अ लिखा है, ठीक है, अ, ये है नीचे, ये अभी देखा था यहां पर, ठीक है, गो, तो ये गो लिखा है, और ये एगो हो सकता है, एगो, तो अ डैश अगो मतलब क्या होगा, ये अभी जो यहाँ पे सीखा है ईयर, ये तो ग्राम, ये तो शॉर्ट फॉर्म की जैसे दिख रहा है, तो ये बन गया क्या, अ ईयर अगो, ठीक है, अ ईयर अगो, जी और म, ठीक है, जिम, डबल डैश है तो मतलब ये कैपिटल वर्ड है कुछ, जिम है, ठीक है, और ये ड ऑड डे अर, ठीक है, तो ये बन जाएगा जिम ओ डायर, ठीक है। ऐसा डरना नहीं है इस वर्ड से, क्योंकि ये इंडिया के बाहर वाले वर्ड्स है, ठीक है। ओ के यहाँ पे ऐसे जिसे बोलते हैं ना कि मतलब पुराने जमाने के जैसे नाम होते थे ब्रिटिशर्स के नेम, तो वही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, ओ डायर, जिम ओ डायर, ठीक है, ओ डायर, डायर बोलो, डायर बोलो, या डी, स्पेलिंग थोड़ा सा इसका देख लेना, कभी कभी मेरा इरेजर कहाँ चला जाता है, DAIRE, ठीक है, जिम ओ डेयर, ठीक है, डे है ए का साउंड है, डेयर, जिम ओ डेयर, ठीक है, कहाँ गया, फिफ्थ वन, हाँ जिम ओ डेयर, ब के साथ में ऑ लिखा है और ट, ठीक है, बॉट द, अच्छा ये च है साथ में, र ए और च, ठीक है, रैंच, जिम ओ डेयर बॉट दी रैंच, रैंच मतलब क्या होता है, जहां पे घोड़ों को रखा जाता है, ठीक है, रैंच, बी ल इंग और इंग, ठीक है, तो बी ल के साथ में ओ, तो बी लॉन्गिंग, ठीक है, बिलोंगिंग टू द, किसको बिलोंग करता है ये,
बिलोंगिंग टू द टू द टू द टू द कहाँ गया, हाँ टू दी पैरी, ठीक है पैरी, पेरी फा म ल, तो फै हो गया ये फै, म का ई और ल ली का ली, ठीक है पेरी फैमिली, ठीक है मतलब अ ईयर अगो, एक साल पहले जिम ओ डायर ठीक है बॉट द रैंच बी लॉन्गिंग टू द पेरी फैमिली, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक और वर्ड बता दिया गया, जो लोग स्टार्टिंग एक्सरसाइज में है वो लोग को भी अगर हल्का हल्का समझ में आ रहा है तो दैट इज डबल थम्स अप आपके लिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हो, समझ के आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है, बस मॉर्निंग में आप 1 घंटा अगर यहाँ पे आ जाते हो क्लास में तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। सो आपको एक बूस्ट मिलेगा कि चलो फटाफट से हमें भी इस चैप्टर में आना है, हमें भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये नहीं करना है कि क्लास के बाद जाके इसी चैप्टर्स की प्रैक्टिस करो, नहीं, जो चैप्टर आपका चल रहा है उसी को खत्म करो। कोशिश करो जो संडे को छुट्टी रहती है भाग भाग के फटाफट से आप कवर कर ले इन सेशंस को, ओके। देन फिफ्थ हो गया, देन इसके साथ में आई विल बी कवरिंग 12th वन ना, चलो 12th वन, 12th वन क्या है, दे म और ए, ठीक है दे मे थैंक द, ठीक है। अभी यहाँ पे पढ़ा था शॉर्ट फॉर्म में ऐसा हवे में ये लिखते हैं तो थैंक क्या होता है, थैंक्ड होता है, लेकिन दे मे मतलब प्रेजेंट में बोल रहे कर सकते हैं, दे मे थैंक द ज और ज, ठीक है क्या लिखा है, ये ज है कम ऑन गो अहेड इफ यू वॉन्ट टू गेस एनीथिंग विच इज रिटन ओवर हियर, ठीक है आई एम गिविंग यू द चांस कि आप लोग गेस कर सकते हो, बाकी तो मैं इसको बताने ही वाला हूं। देखिए सबसे पहला क्या है, दे ठीक है म है और ए लिखा है, दे मे थैंक द ज लिखा है, अ का वॉवल डाला है और फिर से ज लिखा है, तो बन गया क्या जज, ठीक है। जज का हमेशा याद रखना कि जे कैपिटल आएगा, JUDGE, ऑल्दो यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन हम लोग जज को रिस्पेक्ट देते हैं तो जज लिखते हैं। अगर स्मॉल वाला जज लिखोगे JUDGE तो ये वो होता है कि जजमेंटल हो रहे हैं कि वाई आर यू जजिंग मी, तो ये वो वाला जज हो जाता है। तो जब आपको वो जो ज्यूरी वाला जज है जो कोर्ट में बैठता है तो उसकी अगर बात करें तो उसका जे मोस्टली कैपिटल ही आता है, ठीक है। हाँ दे मे थैंक द जज कॉमा हुज, ठीक है अभी आपने पढ़ा था हुज, ट है अ है और क लिखा है, तो बन गया क्या हुज टॉक, ये आपने पढ़ा हुआ था, ये लिखा है वॉज, ठीक है शॉर्ट फॉर्म है याद रहना चाहिए, ठीक है वॉज, उसके बाद में पुट, ठीक है पी और थ्रू द लाइन, तो ये बन जाता है पुट, आपने इसको भी पढ़ा हुआ है आई थिंक चैप्टर 4 में आपने शायद पढ़ा है, ठीक है Whose talk was put on the, ठीक है और ये ए है और ये र लिखा है, तो क्या बन गया एयर, एयर ठीक है was put on the air, मतलब बोलते हैं ना कि रेडियो पे मतलब शायद उनका आवाज उनकी कोई जजमेंट सूट चली होगी तो इसीलिए ऐसे उसको बोला जाता है ऑन द एयर, ठीक है ऑन द एयर, फिर फॉर लिखा है और साथ में द का उसमें कॉमा डैश डाल दिया है, ठीक है द का जो टिक मार्क होता है देख लीजिए यहाँ पे, इसको थोड़ा अच्छे से मैं बना देता हूँ, ठीक है फॉर द, ठीक है फॉर द च है और ये ए है ले, चेंज चेंज इन फ अ क त और र के साथ में ई है, तो ये देखिए ये छोटा वाला ई दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला फैक्ट्री, चेंज इन फैक्ट्री, ल के साथ में और डाल दिया तो बन गया क्या लॉ, ठीक है। ये प्रोसेस आपको धीरे धीरे अपने आप स्पीड अप हो जाएगा, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा
क्या बताया गया है, क्या कहा गया है, ठीक है। तो आपको जो गेस करने वाला गेम है वो आपका काफी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। वी विल बी कवरिंग दिस जो 16th के थोड़ा सा 16 एक्सरसाइज और 15 एक्सरसाइज, ये जो है ये हम कल कवर कर लेंगे। एंड टुमारो आई थिंक वी विल बी फिनिशिंग आवर चैप्टर नंबर 6। ओके, ऑलराइट। सो दिस वॉज द क्लास टुडे। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम टूडेज क्लास, ठीक है। एंड सभी लोग ध्यान दीजिए कि जो आप लोग का सीबीटी है, ठीक है, सीबीटी से बिल्कुल डरना नहीं है स्टूडेंट्स को। आज के लिए एक जो मैं गोल्डन एडवाइस दूंगा, डोंट बी अफ्रेड ऑफ सीबीटी, मतलब इंग्लिश रीजनिंग जीके एंड मैथ्स। यस, मैथ्स भी भले ही स्टेनो में नहीं आता है, लेकिन आपको अब वो लेवल का, देखो आपने मैथ्स तो छोड़ दिया, आप इस फील्ड में आ गए हो, मतलब आपको मैथ्स तो नहीं करना है, 100% श्योर हो। बट आपने इस फील्ड में अगर आ गए हो तो सबसे अगर एज लेना है तो हल्का सा, कोई भी मैथ्स नहीं पढ़ रहा है, नो स्टूडेंट इज लर्निंग मैथ्स, लेकिन अगर आप हल्का फुल्का मैथ्स पढ़ोगे, मतलब जैसे परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनरशिप, जो बेसिक बेसिक चैप्टर्स होते हैं अरिथमेटिक वाले, कोई भी आप यूट्यूब का वीडियोस देख लीजिए, कोई भी आप प्लेलिस्ट देख लो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्या होता है। तो आप इसकी भी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे अच्छे टीचर्स ढूंढिए, ठीक है, जो आपको पसंद आए। सभी टीचर्स का आपको डेमो मिलता है, डेमो लीजिए, देखिए, समझिए कैसे पढ़ा रहे हैं, उनका स्टाइल अच्छा लगता है। थोड़ा अपना भी रिसर्च कीजिए, ठीक है, आपको कौन सा स्टाइल पसंद है पढ़ने का, ठीक है। तो उस टीचर से वो वाला पहले इंग्लिश कवर करो। इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंग्लिश जब आपका 10-20% खत्म होना स्टार्ट हो जाए, जब आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए, कोई टीचर से आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बेसिक ग्रामर वामर पढ़ रहे हो, देन उसके बाद में फिर आप लोग को बाकी चीजें भी लेना है, रीजनिंग पर एक्स्ट्रा फोकस करना है। एंड साथ में जीएस को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। जीएस अभी आपके पास बहुत टाइम है, यू कैन स्टार्ट स्टडिंग जीएस एज वेल, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सब कुछ पता है, मैक्सिमम चीजें तो पता है, बट स्टिल इट इज माई ड्यूटी टू जस्ट मेक यू गाइस अवेयर कि हाँ ठीक है, अब से पढ़ाई भी स्टार्ट करें, क्योंकि दिन में आप 2 से 3 घंटा शॉर्ट हैंड को दे रहे हो, बचा हुआ टाइम यू नीड टू डिवोट इट फॉर योर सीबीटी एग्जाम्स एज वेल, ठीक है। एंड कॉलेज के एग्जाम में कॉलेज की डिग्री से कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। यू विल नॉट लैंड अप विद अ जॉब एज कंफर्टेबल एंड कोजी एज गवर्नमेंट जॉब यूजिंग योर प्राइवेट कॉलेज डिग्री, ठीक है, या गवर्नमेंट कॉलेज भी अगर है तो वहां पे कोई डिग्री का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। सो दिस वॉज अ सेशन टूडे। आई होप यू गाइज गॉट सम गोल्डन एडवाइस टू, यू हैव लर्न समथिंग। विल मीट अगेन टुमारो एट द सेम प्लेस सेम टाइम, ठीक है। बाय बाय एवरी वन, टेक केयर।